वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में, और जिस ड्रामे का तस्करा हम करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है, हाईएस्ट व्यूज आ रहे हैं। मुझे नादिया और रुबीना जी को तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मरीना जी के थोड़े से डिफरेंट व्यूज हैं। क्यों हैं जानते हैं मीना जी आप? एग्जैक्टली, हर इंसान के लिए हम कहते हैं ड्रामा बनना चाहिए, ठीक है, बिकॉज वी आर ऑफ एवरी एजुकेशन लेवल एंड सेंसिबिलिटी एक्सपोजर, ठीक है, क्या चीज़ें हम देख चुके हैं। सो इट इज़ वेरी फेयर टू से कि ये ड्रामा मेरे लिए नहीं बना, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो दैट्स वाई आई, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वॉच फॉर मी, बट एट द सेम टाइम मैं हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशन टू द मेकर्स बिकॉज इट्स डूइंग सो वेल उस पर ऑन द चार्ट्स। स्टोरी बिल्कुल नहीं मेरे लिए मूव हुई, बिल्कुल नहीं, सिर्फ जो पिछले प्लॉट्स हैं ना उनकी एक्सटेंशन है, इट्स बेसिकली दैट। जो हमारी वैम्प वाइफ हैं जो एकदम से गायब हो गई हैं, शी इज़ बीन रिप्लेस बाय द सिस्टर, जो अपने मियाँ के पास कॉन्स्टेंटली जा रही है, इंसल्ट होके वापस आ रही है, और फिर वो जितना इंसल्ट कर रहे हैं ऊपर से वो और तेल छिड़क रही हैं, लेकिन आप आ जाए ना, लेकिन आप कर लेना, लेकिन आप क्यों नहीं कर रहे, सॉरी। तो मुझे जो सिर्फ जो क्वेश्चन मार्क मेरे दिमाग में आते हैं कि राइटर्स रियली नो हाउ टू राइट नीडी वेमेन, दीज आर वेरी नीडी वेमेन, यू नो, इनका एक कोई नीड है कि हमने इंसल्ट होना है, आज मैं कैसे इंसल्ट होंगे, सोचना चाहिए। हाँ, मैं नाश्ता जो है ना ज़रा सा ठीक नहीं बना, नहीं मैं परफेक्ट नाश्ता बनाती हूँ, और फिर भी यू नो लाइक आई जस्ट फील, उसकी तो लाइफ हर तरह, वो तो कुछ भी कर रहे उसे कुछ भी, अच्छा, और फिर जहाँ और उसका एक्सटेंशन होता है कि जहाँ मियाँ उसको इंसल्ट करके चला जाता है, फौरन माँ आ जाती है, क्या कहा तुमने उसको, और वही लाइन्स रिपीट करती है। सो अच्छा, फिर द गर्ल इज प्लॉटिंग हर एस्केप, एक्सटेंशन ऑफ old scenes. The only two new things that happened was that Abba has gone into a little bit of a guilt of jo usne kiya, remorse. Maulvi sahab se. Aur Maulvi sahab se ek shut up call bhi unko mil gayi hai, jiski wajah se ab wo sochna shuru karenge, jis pe aapne kuch kaha tha, and I can't believe I didn't watch that. How I watched both. Nahi, wo ye nahi tha, wo Mehmood Aslami call ki baat kar rahe the. Oh yeah. और जो हमारी जुनैरा मैडम है उनके दिमाग में भी कोई स्कीम चल रही है, लेकिन ऑफ मेकिंग मनी, द रेस्ट ऑफ इट वाज जस्ट, आई मीन उसका उसको ले जाना घर, वो खैर बाद में बात करेंगे, मेरे लिए तो इट्स स्टिल शॉक, आई मीन आई एम स्टिल नॉट डूइंग दिस, I'm only doing चलें, ये बेहतरी हुई है। नादिया, मैं तो इसी चीज पे गश खा के गिर गई। 18 घंटे में अर्ज किया है, 18 घंटे में कितने व्यूज आए जान निसार को, एपिसोड नंबर 17 के, 18 घंटे में, गेस करो, 1 मिलियन 18 घंटे में है, हाफ डे, वाह वाह, आप बताएं, 24 भी नहीं, 18 घंटे में कितने व्यूज आ गए, 2 मिलियन 10 सीरियसली बताओ, 10,000 10 मिलियन नहीं, मेरा ख्याल 1.5 मिलियन 8.5 मिलियन व्यूज इन 18 आवर्स, That's happening. 25 million है, ये मुझे लग रहा है तेरे बिन के पास आने वाला है, क्योंकि 18 घंटे में 8.5 मिलियन व्यूज नहीं हो सकते किसी ड्रामे में, वन तक भी देखे नहीं देखे, इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि कल जब मैं इसकी एपिसोड जो प्रीमियर हो रहा था उस वक्त मैं देख रहा था, तो अराउंड 500K यानी कि 5 लाख लोग इस उसी वक्त देख रहे थे, ऑफ दिस क्वार्टर दिस ईयर, थोड़ा आगे चलने दें तो मे बी कुछ और भी नंबर्स इतने बढ़ जाएं कि किसी और ड्रामे को भी पीछे छोड़ दे, आई डोंट नो, बट इट्स ग्रोइंग लाइक क्रेजी,
कमेंट्स लिख रहे हैं फैंस कि मैं ऐसे एक्साइटेड होती हूँ इसके एपिसोड के लिए जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच. ये हाइप है इस ड्रामे की, ये क्रेज है. और क्या अभी मैं सोचती हूँ क्यों क्या तो बात यह है कि जो फेरी टेल है ना ये बिकती है. वो लोग जो सोचते हैं कि क्या लोग देखना चाहते हैं, क्या फॉर्मूला है ड्रामे की, वो है फेरी टेल. चाहे वो हराम जुनून हो, चाहे ये हो, चाहे इश्क मुर्शिद हो, हर लड़की चाहती है कि एक लड़का मुझसे प्यार करे, इश्क करे और मुझे बचा के ले जाए. चाहे मेरे बाप से बचाए, चाहे दुनिया से बचाए, बस बचा के ले जाए और वो पैसे वाला हो, और वो पैसे वाला और पैसे वाला हो. ये बस पैसे वाला हो, मुझे बचा ले. हर लड़का ये चाहता है कि एक लड़की मुझे बचा ले जो पैसे वाली. अच्छा उसका प्यार मोहब्बत वाला सीन, उसके बस पैसे वाली और आके मुझे ले जाए. इसलिए ये फॉर्मूला है. बना लो ऐसे 1000 ड्रामे चलेंगे, और अगर दानिश तैमूर उसमें होगा तो और चलेंगे. आई लव इट. और मुझे इस दफा जो हुक भी था इंटरेस्टिंग भी था वो भी बड़े मजे का था. बताएंगे तो आपको तो फिर अपने अल्फाज वापस लेने हैं नादिया, जब आपने कहा था कि दानिश को चाहिए अब वो प्रोड्यूस करना शुरू करे क्योंकि उसके पास रोल्स नहीं है. दानिश का ड्रामा है, दानिश नोज व्हाट टू डू, डोंट टेल हिम व्हाट टू डू. नहीं, आई वांट टू सी हिम इन अ बिल्कुल मोर चैलेंजिंग रोल. वो मेरी बात बिल्कुल वही है. मैं तो ड्रामे के एपिसोड की बात कर रही हूँ. दानिश सिर्फ पूरा ड्रामा दानिश नहीं, दानिश इज पार्ट ऑफ द ड्रामा, मोस्ट ऑफ द ड्रामा इज दानिश. दूसरा ट्रैक तो लेकिन इसमें स्टोरी बड़ी मजेदार है. दानिश तो अब आके स्ट्रांग हुआ ना, बिल्कुल. पहले तो हारून का कैरेक्टर था, और हारून का बिल्कुल दानिश का कैरेक्टर चेंज, बिल्कुल चेंज हुआ. उनका जो कहने का मतलब नादिया का वो ये था कि हम उसको कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स में भी देखें, ये एक ही तरह का हो रहा है, एक मेरा फार्मूला है, चल रहा है, वो तो है. वो मैं बिल्कुल चाहूंगी, वो तो मैं बिल्कुल चाहूंगी. लेकिन 25 मिलियन दे रहा है तो फिर ले भी रहा है, जाहिर है कुछ तो फिर ठीक ही जगह पे है. प्रोड्यूस तो वो करते हैं जो घर बैठे होते हैं, उनको काम नहीं मिलता ज्यादातर. सो ये आई डोंट एग्री विद दैट. जिनके पास काम नहीं है दिखाना है उनको, वो नहीं आ रहा, वो बना लेते हैं. इवन इंडिया में भी बहुत बड़े बड़े एक्टर्स अपने लिए करेक्टर्स काम भी कर रहे हैं, प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल फर्क. अच्छा आप बताएं जानिसार कैसा. आई एम जस्ट सेइंग सुपर एपिसोड्स बोथ. हुक पे हम पहुंच गए, हुक ओपन हो गया, जो हमने लास्ट रिव्यू किया था उसमें बात यहाँ ख़त्म हुई थी कि आ गया वो मोमेंट जब उसने फाइनली ढूंढ मिल गई वो उसको, और उसने कहा पता करो कि यहाँ तक कैसे पहुंची. और फिर उसके बाद ये हुआ कि जाफर ने पता किया, और जाफर ने कहा कि वो कुछ कहीं से होती नहीं, किसी वजह से ये नहीं, उसको पता था कि कैसे और क्यों, बट यहाँ पहुँच गई हैं. और मज़ाहमत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ताकि आपको बता दें that she is here but she is fighting. Fine. ये भी एक element था जो कि हम जो हमारे लिए clear होना ज़रूरी था, और ख़ास तौर पर हमारे hero के लिए clear होना ज़रूरी था. तो 25 लाख दे दिए और कहा कि इनके साथ अकेले में बात करनी है, और घर पर गए और बात की. और बात क्या की? कुछ नहीं. नहीं, अच्छी बात. नहीं, बात की, बात की कि आप चाहती हैं वहाँ से निकलना. ठीक बात थी. वो कहती है तो कैसे, यहाँ आ जाए, मेरा घर है. शी सेड अच्छा मैं अभी आपके साथ आ गई हूँ क्योंकि इस वक्त मुझे मंजूर हुआ है ये, बट दूसरी दफ़ा अगर आप आएंगे तो आई विल प्रॉबली से नो. शी स्टूड हर ग्राउंड फॉर दैट लिटिल मोमेंट. और वो भी कहा कि मैं किस हैसियत में हूँ. अच्छा सुनो तो सुनो, जिस पे उसने कहा निकाह कर ले मेरे साथ, बहुत दिल जीत लिया उसने. दम तो था, दम तो था, निकाह कर ले मेरे साथ. एंड टू व्हिच शी सेज नथिंग एंड गोज बैक. और वहां जुनैरा जो है, ये ड्रामा है. वहां से जुनैरा पागल हुई भी है कि किधर रह गई, ढूंढो उसको. और देयर दे वॉक इन ऑल 3-4-5 ऑफ देम, एंड ही सेज के छोड़ के जा रहा हूँ और कल आऊँगा लेने, और अगर इनको कुछ हुआ और पैसे दूंगा, मुंह मांगी कीमत दूंगा. जुमले सारे वो हैं जो हम सुनना चाहते थे. मुंह मांगी कीमत दूंगा, इसलिए नहीं कि आप मांगेंगी, इससे कि इनकी जान का सदका दूंगा. ठीक है ना, तो आपने एक लव स्टोरी शुरू कर दी है और बिल्कुल सही कर दिया है. और उसके बाद आता है फ़ोन मोमेंट. ये तेरे बिन मोमेंट्स हैं और हैं. वो फ़ोन देता है और कहता है कि किसी एक लम्हे के लिए भी अगर ये फ़ोन बंद हुआ ना, आप सबकी सांसें बंद कर दूँगा.
तो जुमले हैं ये, पता है वो जुमले थे जिनमें सेनों में क्लैपिंग होती है, ये वो जुमले हैं, वो वाला वो था जो तेरे बिन थे जो दोबारा आए हैं, जो 25 मिलियन है। नहीं फिर वो जाते हुए जो बात कह के जाता है ना कि अब आपके घर में मेरी बीवी मौजूद, होने वाली बीवी मौजूद है, तो ख्याल है वो बड़ा सा ये लाइन था, डायलॉग पे डायलॉग थे, डायलॉग पे डायलॉग था। शुरू के शुरू में सोचा था कि दानिश ने क्यों किया ड्रामा, क्योंकि इसलिए ये इसलिए ये अब आया दानिश का इस दिन के लिए। सो दमथा एपिसोड्स में ऐसी थी, सुपर एपिसोड्स थे, आई लव्ड इट। हो क्या अब क्या होगा, बिकॉज एंड में क्या हुआ, अब्बा का फोन आ गया, बिकॉज जैसे ही वो शॉपिंग कर रहा है तो लॉजिकली इतला तो जा रही होगी ना कि क्या करता है। अगले दिन के लिए उसने कहा तैयारी हो गई, जाफर ने कहा जी काजी तक का इंतजाम हो गया, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। अब वो शॉपिंग करने गया है, अब शॉपिंग जब करने गया है तो जो ड्राइवर था वो था अब्बा का जासूस नौशेरवा के, एंड ही कॉल्स and the father calls him, is not picking up, he did all his shopping and finally Jafar ke phone se unhone baat ki hai aur kaha hai ki ab bhi pahuncho, ab dekhte hain ki hona kya hai. To ye theek hai, to emoji dikha dein. I think wow janisar ke liye two thumbs up. Ye hai ye do episode definitely two thumbs. maza aaya mujhe to bahut maza aaya dekhne ka janisar. और जो मजे की बात ये थी कि इस राइटिंग में कि जो हम सुनना चाह रहे थे ना वही राइटर कह रहा था, वो हमें वो नहीं कर रहा था। ज्यादा सुनना चाहती हूं, मरीना जी ज्यादा सुनना चाहती हैं, मरीना जी से पूछते हैं। मैं बाय सेइंग दिस ड्रामा इज नॉट फॉर मी, आई एम टेकिंग ऑल ओनरशिप अवे फ्रॉम एनीबॉडी हु वांट्स टू अटैक मी, बिकॉज आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग दैट पर्सन, बिकॉज देखिए हु एम आई, I'm one human being who doesn't like the drama. The views are saying 25 million other people. 25 million other views that are saying it. So she can laugh at me. I don't think unko kuch kehne ki zarurat hai. The scene that was when he the ridiculous scene at the red dinner scene. Haan, usme baat karenge. Allah maafi. Anyway. Sach sach bol do na. आप मुझसे शादी कर रहे हो तो बिगिनिंग जस्ट से इट, जस्ट टेल हर द ट्रूथ फॉर मी, इट वॉज लाइक से इट ऑल, देयर वाज नो, तो फिर बाकी के ड्रामे में क्या करेंगे? बंदे को ये लड़की मिल गई, ठीक है, यू शी ऑल शी हैज टू से इज आई एम बीइंग हेल्ड अगेंस्ट माय विल, कैन यू कॉल द पुलिस, प्लीज, that whole scene which comes in direction oh maine likha well but I'll say it now because you know marks dono ko same hi milenge, wo jab slow motion mein sare ke sare enter hote hain jab wo wait kar rahi hoti hai, hustle tha, ha hustle nahi thi movie, full they all enter, I thought piche se police aayegi, nahi you know this was for me that was more of a thing that you just say it all bhai, ab wo aake kehta rakho एक और रात रखो, अब जाहिर है प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ बाप ने वहां बुला लिया, आंटी का दिमाग कहीं और काम कर रहे हैं, लॉजिकली इट मेक्स नो सेंस टू मी, सो दैट्स द प्रॉब्लम फॉर मी, इट हैज टू बी लॉजिकल, आई मीन आई एम श्योर, यस आई वुड लव टू वर्क विद ऑल राइटर्स, बट आई वुड ऑल्सो आई वुड रिक्रिएट दिस पार्ट, बट देन अगेन इट्स मी। अच्छा एक चीज है इसमें जो बिलीवेबल सिचुएशन की जो बात है ना, फॉर मी वाई इज बिलीवेबल बिकॉज इस लड़की के पहले किसी ने बता दिया कि वो जाएगी कहाँ, फर्स्ट सेकेंडली कहाँ जाएगी, जब उसकी दोस्त भी कहती है जो जहाँ से शुरू हुई थी कि जाओगी कहाँ, वो तो दूसरी बात है, सेकंड आप पुलिस की बात कर रही हैं, बहुत आइडियल सिचुएशन में कह रही है, थाने वो पहले एक दफा रह के आ चुकी है, नहीं लुक एट द बैकिंग शी हैज, अभी तो नहीं उसे पता ना बैकिंग का, अरे मैं वही तो कह रही हूँ कि बंदा साफ साफ कहे तो कहेगी फाइन आई एम बीइंग हेल्ड अगेंस्ट माय, प्लीज कॉल द पुलिस, ये बंदा बुलाएगा ऑफ कोर्स द पुलिस इज गोइंग टू लिसन टू हिम, बिल्कुल लॉजिक बनती है, और फिर तुम उसको लाए हो ठीक है वहां से, एक इतने लाविश सिचुएशन, पीछे म्यूजिशियंस बैठे हुए हैं जिनका गाना एक कख किसी ने नहीं सुना,
वो वेटर्स खड़े हुए, तो जाहिर है वो तो समझे ये तो तुम सिड्यूस करने लाए हो मुझे, उसके लिए तो सिचुएशन सिडक्शन की थी, वो तो ही शुड हैव जस्ट टेकन हर साइड एंड सेड बीबी आई वांट टू सेव यू, खत्म, आगे बढ़ो, कहानी खत्म। पांच, चलें आप राइटिंग नंबर दो। पांच ओके, नादिया मेरे लिए नहीं, आई मीन दिस इज नॉट मेंट फॉर मी, सॉरी। अच्छा बात ये कि देखें आप और मैं दोनों बिरयानी बनाएं अगर ईद पे बनाई हो हमने, फिर उसमें बिरयानी ज्यादा अच्छी बने और फिर आप पूछे भी क्या वजह आपकी बिरयानी क्यों अच्छी बनी, तो मैं ये कहूंगी कि मैंने घर के मसाले यूज किए थे भुने हुए। तो ये जो ड्रामा है ना मसाले वाला है, लेकिन घर के भुने हुए मसाले हैं, अच्छे मसाले, खानदानी मसाले, इसलिए ये हमें मजे की लग रही है सिचुएशन। द लाइन्स आर एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू हियर, जो आपका ना खून गर्मा देती हैं, जोश निकल जाती है, आपकी मर्दानगी और फेमिनिटी सब ना फट के बाहर आ जाता है। दिस इज एवरी गर्ल्स फैंटेसी। I have to stop watching Korean dramas. और वो नींद बुरा मुझे भी नहीं लग रहा था वैसे जब वो जिस तरह बोल रहा था ना, आप कहते हैं यार मैं फिर से छोटी सी प्यारी सी हो जाऊँ, मुझे ऐसा लड़का मिल जाए। राइटर को पता है कि मैंने अपने ड्रामे को हिट कैसे करना है, लेकिन साथ में उसने फजूल जुमले नहीं दिए, अच्छे जुमले दिए हैं, सेंस है कि जो जो जुमले वो इतने प्यारे हैं कि आपको आपको मजा आता है, हाँ यार ये ऐसा ही होना चाहिए लड़का। तो पोजेसिव है, लविंग है, अनकंडीशनल मोहब्बत है उसकी, और उसको पता है और उसको रियलाइज ही नहीं वो लड़की कर सकती कि मैं इतने किचड़ में हूँ, चिक्कड़ में हूँ, और मुझसे कोई इतना प्यार करता है। अच्छा दो चीज़ें ऐसे हुई जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, एक मुझसे निकाह करोगी, दूसरा वापस छोड़ देगा। मैंने भी वापस छोड़ने की क्या जरूरत, किराया पड़ गया इतना, ये मेरे हिसाब से तो वहीं रखना चाहिए था, लेकिन फिर ये सिचुएशन है, एक रात के लिए क्यों भेजा, क्या पता एक रात में हो जाता। नहीं अपनी बात का पक्का है ना, उससे बात करके गया था तो वो जरा दिखाया था ना कि और प्यारा लगा भाई इस बात पे, चलो मान और फिर उसका क्या गया। उसके बाद जो पापा ने किया ना, दिस आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, हालांकि मुझे अब समझ नहीं आ रही, मैंने ओएसटी वगैरह हर जगह देखा है, मेरा ख्याल है ये आके कर लेगा निकाह, मुझे लग रहा है कि ये पहुंच लास्ट मिनट पे पहुंच जाएगा, वरना बड़ी बुरी होगी इसके साथ। एक और सीन वर्थ मेंशनिंग, द वेट वाज रिटन, प्लीज उसको इग्नोर ना करें, सीरियस बात थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस तरह जर्द पत्तों के बन में भी और यहाँ भी मौलवी साहब को इतना अच्छा दिखाया, एक सीन है बाप का मौलवी साहब के साथ और मौलवी साहब ने इतनी अच्छी बात की जो किसी ने नहीं की, और इस बाप को देखिए ऐसे पागल आदमी को अगर मौलवी साहब भी सीधा कर सकते हैं कि बेटी से गलती हुई तुमने बाहर उसका तमाशा बना दिया, घर से निकाल दिया, वापस लेके आओ कि अगर आपको बीमारी हो जाए आप उससे उस हिस्से को काट देंगे, नहीं बच्ची को समझाते हैं, बच्ची को सही रास्ते पे लाते हैं। गलती हो तो अल्लाह ताला तुम्हारा तमाशा बना दे, ब्यूटीफुल। मैं इस सीन के लिए मैं क्लैप करूंगी कि राइटर को, क्योंकि इससे आप कितने लोगों के दिमाग में पहुंच रहे हैं और बता रहे हैं उसको कि मौलवी साहब के थ्रू, क्योंकि उनको यही समझ आती है, मौलवी साहब की बात ही समझ आएगी और किसी की नहीं समझ आएगी कि दिस इज द राइट वे। मैं इस बात पे राइटर से बहुत 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 इंप्रेस हुई हूँ। 9 फॉर दिस स्पेशल। अल्लाह इसको बहुत अच्छा, मेरे लिए बहुत बड़ा सीन। कुछ सीन्स होते हैं जिनका आप पे इंपैक्ट नहीं, सोसाइटी पे इंपैक्ट होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट। लेकिन रोमांटिक सीन्स भी बहुत अच्छे थे, हल्का कहीं भी नहीं था। जब है तो ले लो नंबर। अच्छा तो आई थिंक द राइटिंग वर्क फॉर मी, बिकॉज जहाँ मैं जा रही थी कि अब चले जाएं, वहाँ पहुँच गए और अभी हुक है, क्योंकि अब अभी तो हम कौन सी एपिसोड कर रहे हैं, 16, 17 तक पहुँचे ना, हाफ वे थ्रू ऑलमोस्ट, क्योंकि 30 होती हैं हमारी नॉर्मली एपिसोड्स, तो हाफ वे थ्रू हैं, और अगर हम ये इस जगह पहुँच गए हैं तो इसका मतलब है कि अब्बा की कॉल पे कुछ ना कुछ खतरनाक होने वाला है। आज वहाँ से वो वापस नहीं आने वाली, दैट्स व्हाट आई एम अस्यूमिंग। सो हुक भी आपने ठीक छोड़ दिया। ये दो एपिसोड्स बिल्कुल जो लोग देखना चाह रहे थे, जहाँ वो जाना चाह रहे थे, वहाँ हैं। सो मेरे लिए आई थिंक इट्स अ लिटिल बेटर देन अ गुड जॉब, सो 6.5। राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए 13,900 हुए हैं, और रेहाना आफ्ताब के हिस्से में जान निसार से, जी मैं कह रही थी कितने, 7,000, 2,641, 19% बनते 1.9। रज ज्यादा ले गया, हाईएस्ट रज ले गया। दो ऑडियंस होती हैं, एक ये पॉपुलर जो के 25 मिलियन दे रही हैं, रद को नहीं मिल रहे है ना, एक वो ऑडियंस है जो हमारा शो देख रही है, वो थोड़ी सी फर्क सेंसिबिलिटी, और एक है। वो जज है जो जिताएगा इस ड्रामे को इंशाल्लाह।
आगे का पता नहीं, नंबर बने ना बने, इस हफ्ते इस हफ्ते तो मैं जरा कुछ दे दूं, देखा जा रहा है तो वो मिलियंस वोट क्यों नहीं कर रहे। अच्छा, डायरेक्शन ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट्स द स्क्रिप्ट, इट्स नथिंग, देयर इज नथिंग जारिंग, स्मूथ चलता है। डिनर सीक्वेंस ओवर द टॉप फजूल का था, बिकॉज उसमें लग रहा था कि मैं शो मार रहा हूँ लड़का, जहाँ वो नहीं मार रहा ना शो। मीनिंग अगर आप किसी को ला रहे हैं और आप दिखा रहे हैं कि देखो मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, आ जाओ मेरे पास, ही शुड हैव बीन मच मोर सिंपलर, ही शुड हैव बीन हिमसेल्फ, यू नो, इट शुड हैव बीन जस्ट अ ड्रॉइंग रूम सीन, आई पर्सनली फील। मुझे तो लगा कि इट वॉज अ टू इंटाइज। अच्छा मुझे बताएं, इसका जो साउंड ट्रैक है, इस बेवफा समथिंग, तो वो हर जगह आ रहा है, नादिया को याद है, तो सेलिंग पॉइंट है, किस चीज पे आ रहा है, मीनिंग इसका सीक्वल है ना, क्या उसको दीवानगी का कैश कर रहा है, सुपर हिट ड्रामा था इसका, ये गाना था उसी कास्ट के साथ, उसी नहीं तो ठीक है, देन यूज इट इन द राइट वे, वो तो वो है, द डायरेक्टर गाने में वो लाइन ही नहीं है, वो तो एनी प्ले, आई मीन एनी जगह, बेवफा हो तो सिर्फ वही वही लड़का है ना जो इसने, वो ये वही बात है, ये हमारा है एजेंडा ही नहीं, क्योंकि बन में कह रहे थे कि म्यूजिक को जहां जो बताने के लिए आना चाहिए वो बताने के लिए आना चाहिए, गाने को खास तौर पे लिरिक्स को वो नहीं आता, हम दैट्स व्हाई दे आर मेकिंग हिस्ट्री, इनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है वो। सो म्यूजिशियंस को मैं नंबर दे रही हूं पाउंड, नादिया डायरेक्शन अच्छा ओके, मैं तक खोस ही गई उसके ड्रामे में, देखो मूड अच्छा हो गया, इतना अच्छा लगता है ना, जान सार के बारे में मैं बात कर सकती हूँ इन दो एपिसोड के, आगे क्या हो मुझे नहीं पता, लेकिन इन दो एपिसोड ने ना बड़ी अच्छी फील थी इसमें, बड़ी मैजिकल सी, बहुत ही प्यारी सी, मैजिकल, हाँ मैं हूँ ना रिचर्ड गियर फैन इसमें मुझे, और मुझे अच्छा लगा कि अब कुछ स्टोरी में दम आया। डायरेक्शन की बात करें अगर, तो जो एक चीज़ मुझे बस वही फनी लगी, जो जो वो वॉक करके आए हैं ना गैंगस्टर स्टाइल में सारे, हिबा भी, हिबा की भी चाल बदल गई ना ऐसे, वो जो वॉक हुई वो वॉक वैसी नहीं बनती नहीं थी, नॉर्मल एंटर होते ये बन नहीं रहा था, जैसे आए ना स्लो मोशन में ऐसे करके वो बहुत, मीनिंग दैट वाज वॉक दैट नीडेड टू हैव एन इम्पैक्ट आफ्टर दैट वॉक, उस वॉक ने और उस सीन ने मुझे बड़ा अमेज किया कि लगा मैं थोड़ी देर कुछ और, मैं कोई मूवी देख रही हूँ कि कोई बॉलीवुड फिल्म चल रही है, क्या हुआ है, दिखाया ना कॉन्फिडेंस आ गया लड़की में कि अच्छा मुझे पहले मारा जाता था, सिगरेट लगाई जाती है, अब देखो मैं आई हूँ, नहीं ये वो वाली नहीं थी वो, अच्छा कुछ भी कह दे, कुछ भी कह दे, ये गैंगस्टर ही कह दे, ये गैंगस्टर वाली, दिस इज फॉर यू, मुझे लगा सीन में थोड़े बाद सब अंदर आके ना ऐसे गन्स निकाल के डिटेट, मैं दोस्तों का हाथ अदा कर रहा हूँ दानिश, कुछ भी कह दे, मनी हाइस्ट स्टाइल तो खत्म है ना हमारे दानिश पे, तो स्टाइल खत्म खत्म, जो बात इस तरह डायरेक्टर का फोकस सिर्फ जो बात है सिर्फ तीन चीजों पे है, हाँ। दानिश दानिश और दानिश, डायरेक्टर की अच्छी बात ये है कि डायरेक्टर ड्रामे को जो है सही लेके चल रहा है मैं बहुत तारीफ करना चाह रही हूँ डायरेक्टर की, लेकिन समझ नहीं आ रही ये बहुत प्रेज करना चाह रही है, लेकिन पॉइंट्स यहाँ मेरा भी ना सालों का एक्सपीरियंस बहुत मुझे चैलेंज कर गया कि मैं कहाँ कहाँ से शुरू करूँ, डायनो डायरेक्टर के टाइम पे मेरे पास थी मटेरियल था, डायरेक्टर के टाइम पे आके ना मैं खत्म हो गया, अच्छा चलो छोड़ो मैं कोई और बात करते हैं। दूसरी बात ये कि जो दूसरा ट्रैक है वो भी बड़े मजे का हो गया, ठीक है ना, मुझे मजा आ रहा है उसका, उसका नाश्ता ही नहीं खत्म होता, जब खाने बैठती है चलो जाओ तुम तो तैयार हो ना, उसका सैंडविच अंडे वाला नहीं खत्म हो रहा, जो बात हर बात में वो बहुत रेपिटेशन आल्सो अगेन रेपिटेशन, पूछे कपड़े आपके प्रेस कर दूं उस पे भी क्या दबाव जो यहां से क्यों शक्ल घूम कर, ओ इतनी स्ट्रांग वर्ड बोलता है वो उसको, अच्छा मुझे समझ नहीं आ रहा इस लड़की के लिए जिस हालात में ये है इसके लिए तो ब्लेसिंग है जॉब के, इस निकले जहन्नुम से वो सैड क्यों है जॉब करने में, इसको यहीं बैठना है, उसको और जलील होना है, ओ एक और भी रीजन है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं जाना चाहिए, बाप ने भी ऐसे ट्रीट किया है ना उसे, उसे कोई अजीब बात लगी नहीं रही होगी, तो वो स्कूल जब जा रही है और इतनी इज्जत है वहां स्कूल में, वो उसको बुरा लग रहा है, इसको घर में बैठना क्यों
नहीं देखिए फर्स्ट नाइट तो उसने बहुत ही प्यार से बात की है ना, वो तो जब उसे पता चला तो वहां वो शी इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये क्या मसला है। अच्छा, और वहां जो सीन आया ना, उसने कहा बुर्का तुमने क्यों पहना है, हमारी बहन तो नहीं जब पहनती थी, जब जाती थी यहाँ आया है, डायरेक्टर का कमाल है, बहुत मेहनत कर रही हूँ यहाँ, प्लीज ना मुझे पकड़े, बहुत अच्छा सीन था। नंबर्स अच्छे नंबर है, सेवन है, दस दे दे, बड़ी मुश्किल से स्टोरी बनाई है मैंने, मेरा सोचे मैं कितनी मुश्किल में हूँ, बहुत अच्छा। अच्छा, अच्छा एक जगह जो राइटिंग में मुझे मैंने पॉइंट नोटिस किया था वो ये था कि आप मेन प्रोटैगनिस्ट चूंकि सख्त नौशेरमा है तो आप उसको तो बिल्कुल ठीक चला रहे हो, पर इस लड़की को थोड़ा सा नीचे लेके आई है राइटिंग, जैसे कि वो जगह जहाँ वो कहती है लड़की के तुम्हारा प्लान क्या है, फिर अगर यहाँ से तो चलो मैं तुम्हें निकलवा दूँगी, तो वो कुछ कह सकती थी बजाय इसके कि अभी सोचा नहीं, एक लड़की है जो एक ऐसी जगह में रह रही है जो कि जहाँ वो कुछ भी नहीं कर रही, सिर्फ सोच रही है, है ना, ये तो वो जगह है ना जहाँ उसको सिर्फ सोचें आ रही हैं और कुछ भी ना उसने खाना पकाना है, ना उसने कॉलेज जाना है, ना उसने कोई और काम करना है, हम डायरेक्शन पे आते हैं वॉज फेयरली ओके मेरे हिसाब से, लेकिन वो थोड़ा सा एक जगह जो मरीना ने भी कहा और मुझे भी लगा, वो इतना लाल रंग का सेटअप बना के और उसमें उसको ले कर आना नहीं ज़रूरी था। दूसरी ऑड जगह जो थी वो थी जब नौशेरवा ले आया वापस और वो सब हो रहा है कि मैं कल आके ले जाऊँगा और जो दूंगा वो सदका होगा और ये फ़ोन वाली बात, तो उसका क्लोजअप बेहतर होता बजाय जाफ़र के साथ टू शॉट के, क्योंकि वो तो बिल्कुल ठीक बोल रहा था जो भी बोल रहा था और पीछे एक जाफ़र था जिसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैंने क्या करना है, और वो यूँ और यूँ एक कुछ फिल्मी से एक्सप्रेशंस के साथ था जो कि इन ऑड दे वर ऑड फॉर दैट मोमेंट, सो वहाँ मुझे लगा कि डायरेक्टर शुड हैव टेकन केयर ऑफ दैट प्लेस। सो इफ द इफ इट्स 6.5 फॉर द राइटिंग देन आई वुड से, और वो चल के अंदर आना भी जो मनी हाइस्ट का सीन था वो भी जरा सा ज्यादा था, ब्यूटी कम से कम लड़की का ऐसे आना ना, ठीक ना, नहीं था, नहीं। बाकी सारे चलो आ जाते ऐसे एक्सप्रेशन भी था फॉर हिम सिक्स। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 12,400 हुए हैं, और ये मैं नाजे के बिस्किट खा रहे हैं इस वजह से ऐसी आवाज निकल रही है, और जानिसार को मिले हैं जी 2000, मोहसिन मिर्जा को यानी कि 2,480 20% बनते हैं, टू नंबर्स मिले हैं इनको, वेल डन वेल डन। और अब बात कर जाए हिबा बुखारी दुआ। अच्छा ठीक, हिबा इज डूइंग द बेस्ट शी कैन आई थिंक, सो सिक्स ना दुआ। अच्छा हिबा को जब मैं कंपेयर करती हूँ रद की हिबा और ये वाली हिबा, आई थिंक शायद हिबा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ये इतना ज़्यादा हिट हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत वहाँ है ना, ज़्यादा डायलॉग डिलीवरी, मज़े का इंटरेक्शन, कनेक्टिविटी, केमिस्ट्री वहाँ, यहाँ वैसी नहीं है, स्पेशली दानिश के अलावा जो लाइंस वगैरह है ना वो बहुत प्लेन कहीं भी हैं, जितना मैं एक्सपेक्ट करती हूँ हिबा से जो करती है और कर सकती है, और जितनी अच्छी लाइन्स थी यहाँ मुझे लग रहा है थोड़ा सा समथिंग इज़ होल्डिंग हर बैक। नंबर टू, जो इसके वेस्टर्न आउटफिट्स हैं कोई बहुत बुरे सिलेक्ट कर रहे हैं, थोड़े बेहतर हो सकते हैं, यार हमें जुनून वाला डिज़ाइनर आ गया कोई, मुझे लग रहा है नीलम वाला डिज़ाइनर आ गया, तो बहुत अच्छे कपड़े हो सकते हैं, सेम है ना तो वही होगा वेस्टर्न कपड़े, एक तो मैं वैसे भी लगता है सिल नहीं सकते, ये बने बनाए आते हैं, अगर कोई सीरा है तो अच्छे नहीं सीरा, दैट्स बॉदरिंग मी कि कपड़े वो हैं जो हिबा को सूट नहीं कर रहे हैं, हिबा बहुत प्यारी है और हिबा के और बेहतर कलर्स इस इवनिंग के लिए भी प्यारा कलर होना चाहिए था, ये ब्लू ब्लैक मज़े का नहीं था, साड़ी उससे पहले ठीक थी, ड्रेस ने गड़बड़ की है। आई लाइक द फैक्ट कि पहली दफ़ा मैंने हिबा को कुछ सीन्स में देखा विदाउट मेकअप, नोट किया आपने, जान इसार में इसने मेकअप नहीं कहीं कहीं किया हुआ, और उसमें कोई ब्लेमिश या कुछ अगर है भी तो वो नज़र आ रहा है, बिल्कुल क्लियर स्किन थी वो, स्पेशली जब वो बेड पे बैठी याद सोच रही कल मेरा निका है तो वो दैट्स नाइस, और ये इसने मेरे ख्याल इंटेंशनली किया, बोल्ड है कि मेकअप के बगैर है, तो आई विल गिव हर, उसमें ज़्यादा नंबर थे इसमें, गुड जॉब सिक्स, अभी सिक्स गुड जॉब। रुबीना जी, नथिंग दैट आई कैन रियली रिकॉल कि जिस जगह पे मुझे लगा हो कि हाँ ठीक है, जैसे रद्द में लगा एक जगह पे, सो आई थिंक 5.5।
5.5. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए 13,300 हुए हैं फीमेल कैटेगरी में, और हिबा बुखारी के हिस्से में हैं जानिसार से 2,793, 21% बनते हैं, 2.1 हाईएस्ट भी हिबा लेके गई हैं रद से, और सेकंड हाईएस्ट भी हिबा ले गई हैं जानिसार से. वेल डन. अब बात कर ली जाए दानिश तैमूर की. मैया जी सॉरी दानिश तैमूर इज सॉर्ट ऑफ so far monotone उसका एक demeanor है और उससे वो निकला नहीं है अभी तक. उसकी खुशी भी उस demeanor में है, उसका anger भी उस demeanor में है. so variation of emotions as such मुझे even when he's romancing her he's in that demeanor नहीं लगा. जो चीज़ मुझे स्ट्रेंज लगी विच गोज़ इन टू डायरेक्शन एंड इट गोज़ इन टू प्रॉबली राइटिंग एंड ऑल इज दैट वाई इज़ ही गोइंग टू गो एंड चूज ज्वेलरी एंड क्लोथ्स. ही इज़ सच अ रिच पर्सन, पीपल आर गोइंग टू कम टू हिज हाउस एंड ही इज़ गोइंग टू से दैट वन एंड दैट वन. बाई हिम गोइंग हिमसेल्फ आई फेल्ट दैट जस्ट दैट स्पाइरल डाउन द होल डिमीनर दैट ही हैज़ अबाउट हिमसेल्फ. नहीं तो होते ऐसे कि आपके घर पे आए. हाँ हाँ नहीं ऑफ कोर्स when you're at that level, the level, see the thing is either don't say you're that level, but when you're of that level then do a little bit of research. And here is a man going out buying jewelry and clothes for a woman. No, he won't do it, he'll send someone to do it, either that or he'll get it. I mean pretty woman ka isne diya tha na example. Not once did he go and purchase something for her, he gave her the money or he got her stuff. Yeah, which chose however. So I wish that you know that just shows. वो उसमें शादी नहीं करने वाला होता pretty woman, उसको तो शादी कर निकाह कर रहा है तो उसका ख्वाहिश है कि अपनी बीवी के लिए I think कुछ भी कुछ भी कहते कुछ भी कहते कुछ भी. So again yes fine if you want to see it that way you're most welcome to see it that way. But to me the and it's got nothing to do with Danish's performance. I'm just saying that if I was in that. If I was Danish, I would have not done that, and I would have said, you know, I think meri haisiyat ye hai ki log meri taraf aate hain, main unke paas nahi ja, that kind of a thing. Anyway, but I think within his demeanor, I think he's doing an okay job. Six. Yeah. Nadia. Danish ne jab sabke armaan itne jab phula diye, uske baad jab wo gaya shopping karne, to itni बेकार दुकान से वो ज्वेलरी ले रहा है. वो जब डब्बे खुले और 3 तोले के सेट निकले हैं ना, मेरा तो वहीं मैं ऑफ हो गई यार. मतलब इसको तो वो दुबई वाला सेट होना चाहिए था ऊपर से नीचे, कुछ बेहतर ज्वेलरी होती और वो देख के 2.5 तोला पैक कर दें. बहुत ही हल्के सेट थे. वैसे बता रही बेचारा मासूम डायरेक्टर का तो क्या क्या बताऊँ मैं, वो तो किताब है पूरी. लेकिन over there also aap apne you can even make that scene look better by normal blown kitna better you know by ha we make you see fazal bhai baithenge go to the next level in that but khair that's it acha wo jara thoda sa khade ho ke ye wala ishare ye wo jis tarah usne dikhaye na bahut normal fazaldeen ko bhi aise hi dikhayenge aise kiya ye ki aur bahut bure set और कपड़े भी कपड़े वाली जगह बहुत बिलो एवरेज बहुत अब तो डायरेक्शन है ना सारा डायरेक्शन है ये तो सब डायरेक्शन है लेकिन मेरे उस पे हीरो पे फर्क पड़ा ना नहीं नहीं कोई हीरो का ग्रैंडर मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि यार और ग्रैंड होना चाहिए था तो इधर इसको डिसएडवांटेज हुई. बाकी लाइंस फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे लगता है सीन्स जो भी पावरफुल मिले हैं दानिश को फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस ड्रामा या बहुत अच्छे इन एपिसोड्स में तो परफॉर्मेंस से ज़्यादा वो अपने पर्सनैलिटी पे फोकस कर रहा है कि मेरा ऑरा मेरी पर्सनैलिटी और एक मेरी ये चीज़ रहनी चाहिए विच इज़ वेरी इम्प्रेसिव. तो नौशेरमा गजनवी लग रहा है कि मतलब वो बिल्कुल है, हाँ, है समझ वो जाता होगा चेहरों के एक्सप्रेशन चीज़ें उससे ज़्यादा है कि मैं मेरा रोब रहे हर सीन में. और एक दफ़ा मेरे ख्याल मुस्कुराया पहली दफ़ा शायद ज़िंदगी में इस ड्रामे की बहुत अच्छा लगा जहाँ वो उसको कुछ कहती है क्या कहती है कुछ कहती है प्यारी सी बात उसमें थोड़ी देर के लिए जो मुस्कुराया ना दैट वॉज़ वेरी नाइस आई वॉज वेरी क्यूट और मुझे अच्छा लगा जिसने कहा है कि निकाह करेंगे मुझसे. सो ये कैरेक्टर यहाँ आके हीरो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है
गुड स्क्रिप्ट एंड गुड सिचुएशन. तो एट तो हैं, एट तो होंगे. कोई बात नहीं, ओके ओके, ऑल इज वेल, रुबीना जी, ऑल इज. नहीं देखो, तो जाफर अगर आप टू थम्स अप दे रही है तो कुछ अच्छा किया है तो आपको. देखो सबसे ज्यादा नंबर दो ही लोगों को दूंगी, एक राइटिंग को और एक शेरवा और जाफर को. ये तय आठ कह रहे दानिश, तुमने मुझे कभी मायूस नहीं किया, कभी तुमने गलती नहीं की. झूठा, पिछले एपिसोड में तो जलील कर रहा था जाफर को. हाँ एग्जैक्टली, ये क्या था? ये बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ इस एपिसोड में. तुमने मुझे कभी नहीं, लेकिन आप दे दें 10. बट आई 100% एग्री व्हेन मरीना सेज कि अगर वो सीन जो कि ज्वेलरी और शॉपिंग का था ऐसे हो जाता, क्योंकि हम भी देख रहे हैं ना बहुत एपिसोड से कि नौशेरवा काम नहीं कर रहा, कोई बहुत अमीर है मगर कुछ कर नहीं रहा. अगर वो किसी ऑफिस में बैठा होता, अपने ऑफिस में बैठा होता और वो फ़ोन पे कह रहा होता कि मुझे टॉप ऑफ द लाइन ज्वेलरी शॉप से दो या तीन सेट्स फौरन ला के दिखा दो और यू नो फलाना फलाना डिज़ाइनर, कुछ ऐसा थोड़ा सा कर लेते, इस जगह को बदल लेते, तो उसकी स्ट्रेंथ बेहतर हो जाती. एक और चीज़ भी हो सकती थी, अगर आपने वो लोकेशन ले ली, सब कुछ है, उधर पहुँच गए, वो एक चेयर पे बैठा हुआ, चार लोग यूं सेट लेके खड़े हुए उसके सामने, ऐसे होना चाहिए, है ना? वो जाना तो था, you could जाना था, elevated that scene. जाना था, हाँ, कि वो कहता पैक करो पैक, वो तो ऐसे देख रहा था, राधन के बार्गेनिंग कर रहा है, मतलब लग रहा था बार्गेनिंग करेगा. पांच लोग पांच सेट लेके खड़े हुए होते, वो विजुअली आपको लगता कि अच्छा भाई. बट हैविंग सेड दैट, जो लाइंस इस दफा सारी वो थी जो कि हमारे हुक थे, जो हम सुनना चाहते थे, वो हम तक पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरी क्लैरिटी के साथ पहुंची हैं. और ये दानिश का क्रेडिट है कि उसने वो सारी जगह, उस जगह से लेके कि जुनैरा से मीटिंग सेट करो, यहाँ रहना चाहेंगी, वो जगह छोड़ना चाहती हैं, असेस करना कि उस लड़की का जवाब क्या होगा, क्या होने वाला है, उस लड़की के जवाब को सुन के कहना निकाह करेंगी मेरे साथ. सो ही just conveyed all the lines to us with full force. For that I will give him credit. So 6.5. audience ki baat ki jaye, total vote jo cast hue 13,600 hue hain aur Jaan Nisaar se Danish Tamur ke hisse mein aaye hain 3,425%, matlab 2.5 second highest audience ki taraf se mile hain. Well done Danish Tamur. To ji ye Jaan Nisaar ka review tha. दो जजेस जान निसार पे जान निसार थे और एक ने जान निसार करने से इनकार कर दिया, जो कि मरीना जी थी. तो ये हमारा आज का प्रोग्राम था. कैसा लगा आपको, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा. एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं आपको कि हमारा शो तो आता है सैटरडे संडे को, लेकिन मंडे से ही हमारे अनकट वर्जन जो कि एपिसोड से पहले वो आना शुरू हो जाते हैं, अगर आप अनकट में, क्योंकि आप लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं, तो वो टाइमलाइन भी हमारी शेयर होती रहती है, हमारा जो इंस्टाग्राम है उस पर भी डेली अपडेट होती रहती है. और अगर आप नोटिफिकेशन जानना चाह रहे हैं तो यूट्यूब पर जाके बेल आइकन दबा दें और सब्सक्राइब कर लें.